हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में ना सबको पाव भाजी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आए दिन बनती रहती है। कम से कम महीने में 2-3 बार तो बन ही जाती है। तो ये पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही यम्मी होता है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो देखते हैं कैसे बनाया है मैंने इसे। तो यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले ली है। मैं ऐसी पंक्चुअल नहीं हूँ कि मुझे सारी सब्जियाँ चाहिए। यहाँ पे मैंने गोभी ले ली, मटर ले लिए, आलू ले लिया और थोड़ा सा गाजर का टुकड़ा ले लिया, 2-3 छोटे छोटे। ज़्यादा मीठापन आ जाता है गाजर या बीटरूट डालने से, तो मैं कम डालती हूँ। हमारे घर में मीठा कम पसंद करते हैं, भाजी तिक्खी चटपटी अच्छी लगती है। तो सीधा भाजी को बॉईल ना करते हुए सारी सब्जियों को मैंने वॉश करके कट करके रखा है। और यहाँ पर थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल में मैंने 1 चम्मच जितना पाव भाजी मसाला डाला है और हींग डाली है और थोड़ा सा नमक डाल के मैं सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी। तो ये स्टेप ना बहुत ही अच्छा रहता है। सीधा बॉईल करने से क्या होता है, सारी जो सब्जियाँ होती है ना, वो पानी वाली पिचपिची सी हो जाती है और उसका टेस्ट थोड़ा बिगड़ जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि पहले इसको इस तरह से तेल में थोड़ा सा भून लेती हूँ मसाले के साथ, और फिर थोड़ा सा पानी डालकर, यानी कि आधे गिलास जितना पानी जितना ज़रूरी है उतना ही डालकर उसको 2 विसल तक बॉईल कर लेंगे। तो ये स्टेप करने से ना आप देखना टेस्ट में बहुत डिफरेंस आएगा। अब तब तक बॉईल हो रहा है हमारे वेजिटेबल्स, तब तक हम उसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बड़े साइज़ का, बहुत बड़े साइज़ का अनियन था मेरे पास, उसको मैंने चॉप कर लिया है। आपके पास अगर मीडियम साइज़ है तो आप 2 या 3 मीडियम साइज़ के ले सकते हो। ये बहुत बड़ा था तो 1 ही अनियन काफ़ी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने टमाटर भी चॉप करके रख दिए है। अदरक लहसुन के लिए मैं उसका पेस्ट यूज़ कर रही हूँ रेडी वाला, वरना मैं इसके साथ ही अदरक लहसुन को भी पेस्ट वो कर लूँगी चॉप। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें चॉप हो गई, तब तक हमारी सब्जियाँ भी बॉईल हो गई है। कुकर ठंडा होने पर मैं उसको खोल दूँगी। तो टमाटर को भी दो टमाटर मीडियम साइज़ के लिए थे मैंने। अब है ना, ये जो वेजिटेबल्स हमारे बॉईल हो चुके, इतने अच्छे कलर इसका आ गया है, देखिए आप। हमने ज़रा सा, मतलब 1 छोटी चम्मच जितना पाव भाजी मसाला, जो मैंने घर पे ही बनाया है, बिल्कुल फ्रेश है, इसके आगे की वीडियो ही गई है उसकी, तो वो वाला 1 चम्मच डाला था। और मैंने थोड़ी सा नमक और हींग डाला था और ऑयल डाला था, तो कितना अच्छा कलर आ गया और टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ गया है। थोड़ा सा मैश कर लेंगे उसको। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने 2 बड़ी चम्मच जितना ऑयल डाल दिया है। अब थोड़ा सा बटर भी लिया है, दोनों साथ में रखना है, बटर अकेला जल जाएगा और बटर का टेस्ट तो चाहिए ही पाव भाजी में। अब अनियन को गोल्डन होने तक, लाइट गोल्डन होने तक हम उसको भून लेंगे। ज़रूरत के हिसाब से नमक डाल दिया है ताकि अनियन जल्दी से हो भी जाए। अब अनियन भून जाए तो साथ में टमाटर जो रखे हैं चॉप करके उसको भी डाल दिया है। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए साथ में, तब हम बाकी की चीज़ें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला है 1 चम्मच, आधी चम्मच हल्दी डाली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच भर के मैंने पाव भाजी मसाला जो घर पे बनाया हुआ है वो डाला है। सारे मसालों को अच्छे से भूनना है जब तक कि ऑयल पूरा सेपरेट ना हो जाए। नमक हम पहले ही डाल चुके और लास्ट में अगर ज़रूरत लगे तो टेस्ट करके फिर डालना है, पर ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल। अब मैंने यहाँ पे बस 1 घूंट जितना पानी डाला है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्जियाँ है ना बॉईल करते टाइम थोड़ा पानी में हमने बॉईल किए, सब्जियाँ खुद इतना पानी रिलीज़ करती है, तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो पिचपिची सी नहीं अच्छी लगती है, पाव भाजी का टेस्ट बिगड़ जाता है। अब सारी बॉयल वेजिटेबल्स जो मैश करके रखी है उसको भी डाल देंगे साथ में, और 1 से 2 मिनट तक इसको मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और फिर ढक के रख दिया था 5 मिनट। तो देखिए, सारा ऑयल ऊपर आ गया है, ऊपर से धनिया डाल दिया है। तो तैयार है हमारी मज़ेदार माउथ वाटरिंग पाव भाजी, जो घर के पीसे मसाले से बनी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आगे हमें उसकी प्लेट भी रेडी करनी है, तो उसके लिए मैं पाव सेकने के लिए यहाँ पर पैन रख दिया है। तो थोड़ा सा बटर डालेंगे,
और ये पाव भाजी के ऊपर जो ऑयल और मसाला आ जाता है ना, उसको एक छोटी चम्मच भर के मैंने डाला है तवे में। थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा हम पाव भाजी मसाला भी ऊपर स्प्रेड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से फैला लेंगे तवे पर। अब जो पाव भाजी वाले पाव होते हैं ना, उसको इस तरह से बीच में से कट लगा के उसको इस तवे पे सेक लेते हैं। स्ट्रीट स्टाइल जो पाव भाजी होती है ना, जो हम लोग बाहर खाते हैं, वो इसी तरह से वो फ्लेवर देते हैं पाव को, पाव भाजी का मसाला डाल के। तो मैंने आज उसी तरह से किया है, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। देखिए पूरा फ्लेवर पाव भाजी का इस पाव में भी मिलेगा। तो गर्मा गर्म भाजी के साथ ये फ्लेवरफुल पाव और साथ में अनियन टमाटर और लेमन तो होता ही है। तो चलिए प्लेट रेडी है हमारी, एंजॉय करें। देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ना। तो आप भी इस रेसिपी को और इसके आगे जो रेसिपी गई है मसाले की, उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं कोई अच्छी सी नई सी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।